नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। आईपीएल 2021 के 46वें मैच में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स की टीम आमने सामने थी। इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस की बल्लेबाज 8 विकेट खोकर 129 रन ही 20 ओवरों में बना सके। दिल्ली की तरफ से आवेश खान ने जहां 3 विकेट लिए, वहीं अक्षर पटेल ने भी 4 ओवर की गेंदबाजी में 3 विकेट लेकर मुंबई के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। मुंबई की तरफ से सूर्य कुमार यादव ने 26 गेंदों पर 33 रनों की पारी खेली। इसके अलावा क्विंटन डिकॉक ने 18 गेंदों पर 19 रन बनाए। आसान लक्ष्य का पीछा करने उतरी शिखर धवन और पृथ्वी शॉ की जोड़ी से ताबड़तोड़ शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन दोनों ऐसा करने में नाकाम रहे। पारी के दूसरे ही ओवर में शिखर धवन बेहद दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रनआउट होकर वापस पवेलियन लौट गए। पारी का दूसरा ओवर लेकर जयंत यादव आए और जयंत यादव की आखिरी गेंद पर लेग साइड में टैप कर शिखर धवन ने एक रन चुराने की कोशिश की। पहली नजर में ऐसा लगा कि शिखर धवन आसानी से ये रन ले लेंगे, लेकिन वो भूल गए थे कि वहां फील्डिंग कर रहे थे कायरन पोलार्ड। पोलार्ड ने काफी तेजी से पहले गेंद की ओर लपका और गेंद को लपकते ही उन्होंने काफी तेजी से विकेट पर डायरेक्ट थ्रो मार दी और रिप्ले में साफ नजर आया कि शिखर धवन काफी पीछे रह गए थे। शिखर धवन को भी यकीन नहीं आ पाया कि ये रन आउट कैसे हो गया। हालांकि मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी भी पहली नजर में काफी कॉन्फिडेंट नहीं थे, लेकिन रिप्ले में जब ये नजर आया कि शिखर धवन क्रीज से काफी पीछे रह गए हैं और पोलार्ड का डायरेक्ट बुलेट थ्रो काम कर गया है, शिखर धवन 7 गेंदों पर 8 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए। शिखर धवन खासे नाखुश नजर आ रहे थे क्योंकि इन 7 गेंदों में उन्होंने कई अच्छे हाथ दिखाए थे और कवर के ऊपर जो एक छक्का लगाया था वो तो कमाल का ही था। आपको बता दें, इसके बाद जल्द ही दिल्ली कैपिटल्स ने 2 और विकेट गंवा दिए। पहले पृथ्वी शॉ और उसके बाद स्टीवन स्मिथ का भी विकेट मुंबई ने निकाल दिया था। 4 ओवर के बाद दिल्ली कैपिटल्स ने 3 विकेट सिर्फ 30 रन के स्कोर पर गंवा दिए थे। आपको बता दें, दिल्ली कैपिटल्स पहले ही प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, वहीं मुंबई इंडियंस प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए पूरा दमखम लगा रही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।